हेलो दर्शकों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। सो मैं फिर से एक गुडबाइट के एक प्रोडक्ट को लेकर के आ गई हूँ आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। सो वो गुड वाइब्स का सीरम है, रोजहिप सीरम एंड विटामिन ई डी पिगमेंटेशन सीरम। ये दो सीरम को मैं काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रही थी एंड इनके रिव्यू मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, बट फाइनली आज मैं वीडियो लेकर के आ गई हूँ। और हम पहले बात करेंगे रोजहिप सीरम के बारे में, जो काफ़ी फेमस है गुड वाइब्स का ये जो सीरम है। और तो ये गुड वाइब्स का हाइड्रेटिंग ग्लो फेस सीरम है। और रोजहिप सीरम के बारे में, हाइड्रेटिंग ग्लो फेस सीरम ये रोजहिप, और ये है इसकी क्वांटिटी है 30 ml। और ये मैंने ऑफ़र में परचेस किया था, तो बाय वन गेट वन आया था ये मुझे, तो मुझे इसका पे करना पड़ा था 470 या 475 के अराउंड मैंने पे किया था, और मुझे ये 2 बॉटल रिसीव हुए थे। तो इसको भी काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं ये इसकी सेल्फ लाइफ है 2 ईयर, आप इसको 2 ईयर तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। सो ये बात कर लेते हैं ये क्या क्लेम करता है। तो ये क्लेम करता है ये आपके स्किन को डीपली नरिशमेंट देता है और आपके स्किन में एक ग्लो प्रोवाइड करता है, स्किन को आपके सॉफ्टन बनाता है, ब्राइटन करता है एंड हाइड्रेट करता है आपके फेस को। तो हाँ, ये रोजहिप जो सीरम है ये बहुत अच्छा वर्क करता है आपके फेस पे। आप इसको लगाओगे तो मिनिमम ये 3-4 डेज में आपको रिजल्ट अपना रिजल्ट दिखाना स्टार्ट कर देती है। तो मैं इसको काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रही थी, तो इस्तेमाल करने के 2 से 3 दिन के बाद ही आपके फेस पे एक नेचुरल सा शाइन करने लगेगा आपका फेस, और हाइड्रेट करता है, सॉफ्ट भी बनाता है आपके स्किन को, और आपके स्किन को के जो टेक्स्चर है उसको भी इम्प्रूव करता है। तो हाँ, ये बहुत अच्छा वर्क करता है। और इस पे लिखा हुआ है कि ऑल स्किन टाइप होता है, बट मैंने बहुत सारे लोगों का सुना है कि उनको सूट नहीं किया है, तो इसका रीज़न ये भी हो जाता है कि बहुत ये मेनली ड्राई स्किन वालों के लिए ज़्यादा बेस्ट, मतलब ड्राई स्किन वालों पे ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। इसकी टेक्स्चर जो होती है थोड़ी सी थिक होती है, बट हाँ नॉन ग्रीसी है ये। और आप इसको स्किन में अगर लगाते हो तो अच्छे से जेंटल मसाज करते हो ये, तो मतलब 20-25 सेकेंड के अंदर ये आपके स्किन में बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर लेता है। तो हाँ, ये रोजहिप का मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक और कन्फ्यूज़न आप लोगों की क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है तो मैं भी क्लियर कर देना चाह रही हूँ। मैंने जब फर्स्ट बॉटल खरीदा था और जब सेकेंड भी परचेस किया था ये से रोजहिप का सीरम, तो उसके बॉटल पर ऐसे लिखा हुआ था रोजहिप रेडिएंट ग्लो फेस सीरम, बट मैंने जब बाय वन गेट वन ये रिसीव किया ये वाला बॉटल, तो इस पे लिखा हुआ है रोजहिप का हाइड्रेटिंग ग्लो फेस सीरम। और दोनों में मैंने चेक किया है, दोनों पे मेंशन किया हुआ है, सेम चीज़ें मेंशन की हुई है और इंग्रेडिएंट्स वगैरह भी सेम है दोनों में, जो मैंने पहले परचेस किया था और मैंने जो इस बार परचेस किया है हाइड्रेटिंग ग्लो सीरम। बट वर्क मुझे लगा थोड़ा का दोनों का डिफरेंस है, क्योंकि वो जो रेडिएंट ग्लो था फेस सीरम का, वो सच में आपके फेस पे ना, आप नाइट में स्किन केयर करके अपना सीरम लगाते हो और सुबह में जब देखते हो ना, तो एकदम नेचुरल सा आपके स्किन में शाइन आ जाता है। बट हाँ, हाइड्रेटिंग ग्लो फेस सीरम जब मैंने मतलब मैं लगा रही हूँ, तो मैंने इसका रिजल्ट देखा है ना कि ये आपके फेस पे ऐसे शाइन वाइन कुछ नहीं देता है, कोई ग्लो नहीं आता है, बट हाँ आपका स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाता है और बहुत हाइड्रेट हो जाता है आपका स्किन। तो ये दोनों सीरम के बीच मुझे 2 डिफरेंस दिखे, हालांकि दोनों सीरम में इंग्रेडिएंट सेम है, सब कुछ सेम है, बट पता नहीं क्यों। और मैंने पर्पल के एजेंट से भी मैंने बात किया था, तो मैंने उनसे पूछा भी था, तो उन्होंने बोला था कि दोनों सीरम अलग अलग होते हैं, आप ऑर्डर करते वक्त चेक करके ऑर्डर डालना। बट मैंने जब चेक किया तो इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब कुछ मेंशन सेम किया हुआ था, बट दोनों का वर्क थोड़ा सा डिफरेंस है थोड़ा सा। तो ओवरऑल ये भी बहुत अच्छा है, और ये अभी विंटर्स आ गए हैं तो विंटर्स में तो ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। और आप लोगों को पता है कि आपके स्किन को हाइड्रेशन की कितनी ज़रूरत होती है, तो हाँ ये सीरम आपके फेस को बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देगा। तो ये सीरम के बारे में मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया, और आप लोग भी ट्राई कीजिए, विंटर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सीरम। और तो विंटर्स में ये रोजहिप बहुत अच्छे से वर्क करेगा। और आपको अगर फर्स्ट ट्राई कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि छोटी वाली 10 ml की बॉटल आती है ना, आप वो पहले ट्राई करो, और अगर आपकी स्किन को शूट कर गया तो फिर आप बड़ी वाली बॉटल या बाय वन गेट वन ऑफर में जो भी ले सकते हो आप। तो हाँ, पहले आप छोटी वाली बॉटल ट्राई करके देखो और अपने रिजल्ट हम लोगों के साथ शेयर करो, अपने हमारे कमेंट में शेयर करें। सो मैं अभी बात करने जा रही हूँ गुड वाइब्स के डी पिगमेंटेशन फेस सीरम के बारे में, विटामिन ई फेस सीरम के बारे में। सो इस सीरम ये बॉटल है, मैंने छोटी वाली बॉटल ये इसको परचेस किया था, क्योंकि कोई भी नई चीज़ आप अगर ट्राई करें तो छोटी बॉटल ही मैं ट्राई करती हूँ, पता नहीं मेरे फेस को सूट करेगा या नहीं करेगा। तो और इसकी MRP मुझे आ गई थी 170 या 170 के अराउंड मिल जाती है, हमेशा ऑफर पे मिलते रहता है, तो आप देख लेना पर्पल पे। और इसकी ML है 10 ml। तो और इसकी जो सेल्फ लाइफ है 2 ईयर की, इसकी
ये क्लेम करता है कि आपके स्किन के जो रफनेस है उसको उसको इम्प्रूव करता है, आपके पिगमेंटेशन को इम्प्रूव करता है, आपके स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, और आपके स्किन जो डैमेज हो गई है ना और जो रफनेस आ गया आपके फेस पे उसको भी इम्प्रूव करता है। और सो मैंने इसको इस्तेमाल किया है। मतलब आप किसी भी चीज़ को 1 वीक तक इस्तेमाल करते हो ना तो कहीं ना कहीं आपको ये मतलब फीलिंग आ जाती है कि पता नहीं ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैंने इसको 1 वीक 10 डेज तक मैंने इसको इस्तेमाल किया, बट मुझे ऐसा इसका कोई वर्क मतलब फेस पे दिख नहीं रहा था, ऐसा कोई रिजल्ट, खास रिजल्ट मुझे फेस पे दिख नहीं रहा था। और ये बेसिकली ये आपके पिगमेंटेशन पे बहुत अच्छा वर्क करता है। तो और ये तो मेरे फेस पे थोड़ा थोड़ा पिगमेंटेशन था, तो मैंने सोचा इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ, शायद पिगमेंटेशन अच्छे से ये हो जाए। तो मैंने इसको इस्तेमाल किया तो ऐसे कुछ ना मेरे को फेस पे ग्लो दिखा रिजल्ट इसका, ना मुझे ये पिगमेंटेशन पे अच्छा वर्क किया, तो मुझे इसका कुछ खास असर बिल्कुल भी नहीं दिखा है। और ये किस स्किन वालों के लिए, ये ड्राई स्किन वालों के लिए सबसे बेस्ट है। तो इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा थिक है, बट नॉन ग्रीसी है ये। और आप इसको थोड़ा सा स्किन पे ऐसे 2-3 ड्रॉप डालते हो और जेंटल मसाज करोगे तो बहुत इजीली आपके फेस पे ऑब्जर्व कर लेता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ लगाया। बट इसका रिजल्ट मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, तो मैं आप लोगों को नहीं सजेस्ट करूंगी। अदरवाइज अगर आपको ट्राई करना है तो आप एक छोटी बॉटल लेकर के ट्राई कर सकते हो। मैंने भी एक छोटी बॉटल लेकर ट्राई किया, बट मुझे इसका कोई इफेक्ट दिखा नहीं। देख सकते हैं अभी भी इसका मेरा बॉटल पड़ा हुआ है यार, देख सकते हो आप इसका टेक्सचर, इसका टेक्सचर आप देख सकते हो, बट बिल्कुल भी ये ग्रीसी नहीं है। और अभी भी मेरी इतनी बॉटल पड़ी हुई है क्योंकि मैंने उसको इस्तेमाल ही नहीं किया है। और मतलब अगर आप लोगों को शरम ही ट्राई करना है तो बहुत सारे शरम हैं, बहुत अलग अलग शरम हैं। तो विटामिन ई का तो आप घर पे भी बना सकते हो, मैं एक छोटी सी वीडियो लेकर के आऊँगी आप लोगों के साथ, इसमें विटामिन ई के शरम मैं घर पे बना करके आप लोगों को दिखाऊंगी, और ताकि आप लोग भी उसको बना करके विंटर्स वगैरह में अपने फेस पे अप्लाई कर सको। उसके लिए ऐसे मुझे नहीं लगता पैसा इस पे इन्वेस्ट करना सही रहेगा, और भी डिफरेंट डिफरेंट हैं, रोज हिप के हैं और भी डिफरेंट डिफरेंट हैं, आप उसको ट्राई कर सकते हो एक बार। और उम्मीद करती हूँ कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है रोज़ और विटामिन ई सीरम के लिए आप लोगों को पसंद आया होगा, और शायद आप लोगों को भी परचेस करते टाइम ये हेल्पफुल हो ये वीडियो। और मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने मॉइस्चराइज़र लेकर के आऊँगी, जो विंटर्स के लिए सबसे बेस्ट मॉइस्चराइज़र है और काफ़ी बजट फ्रेंडली भी है, और सो गुड वाइब्स के ही है। तो तब तक लिए मेरे नए वीडियो के आने का इंतज़ार करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ईजिली मेरे वीडियो शो करें नोटिफिकेशन में। सो बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।